Dear students, in last videos we all have studied that genes are located on the chromosomes and these genes are segments of the DNA. This is a double stranded molecule DNA and it has all the information to code for a specific protein. The type of protein formed in an organism will decide the feature of that particular organism. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज वी आर स्टडिंग द हेयर कलर. यू ऑल नो दैट हेयर कलर इन ह्यूमन बीइंग्स कैन बी ऑफ वेरियस शेड्स, लाइक इट कैन बी डीप ब्लैक कलर, इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी गोल्डन, इट कैन बी ग्रे. देर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन इफ यू आर स्टडिंग द हेयर कलर. ओके, नाउ दिस हेयर कलर इज अ फीचर. बट हाउ दिस फीचर हैज़ डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग्स. ये फीचर जो हेयर कलर का है ये किस वजह से डेवलप होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज मेलेनिन. हेयर कलर मेलेनिन पिगमेंट की वजह से आता है. मेलेनिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. बट हु इज गोइंग टू फॉर्म दिस मेलेनिन प्रोटीन और पिगमेंट? हु हैज़ इन्फॉर्मेशन दैट मेलेनिन पिगमेंट शुड बी सिंथेसाइज इन this and this quantity or of this, it should be of this nature. This quantity of melanin pigment and type of melanin pigment, it is decided by, its formation is decided by the DNA. DNA has information that how much melanin pigment will be formed, what will be the shade of that pigment, and this DNA, it is present in the form of दिस सेगमेंट दैट यू कॉल एज जीन. तो ये जो जीन है यहाँ पर अगर ये हेयर कलर को डिसाइड करती है तो यहाँ पर ये जो जीन है इसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो एक फीचर डेवलप होने देता है. वट इज दैट फीचर? इट इज द हेयर कलर. यह फिनोटाइप है जो हमें नजर आता है, लेकिन वो फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीरियंस किसी भी करेक्टर की वो कौन डिसाइड करता है? That will be decided by the type of genes. Okay, so ये information जो DNA में stored है and this DNA is located on this chromosome in the form of gene, this will decide the type of protein and the type of features. अब जीन से जुड़ा हुआ ये concept आपको समझ में आ गया है. इसी concept से जुड़ा हुआ एक phenomena हम आज study करने वाले हैं and that is the pleiotropy. What is a pleiotropy? That will be discussed later. But before that, we will discuss a few examples. इससे पहले कि हम इस pleiotropy को define करें, हम कुछ examples को study करेंगे. आप यहाँ देखिए, ये एक first example है. I have shown here the diagrams of the seeds in pea plant. ये pea plant के seeds दिखाए गए हैं. And notice the shape of these seeds. यहाँ पर ये दो seeds जो हैं ये दोनों राउंड हैं और ये आपको रिंकल नजर आ रहा है. ओके, नाउ यू ऑल नो दैट दीज सीड्स, पी सीड्स हैव स्टार्च इन देम. ये इनमें एक फूड मटेरियल है पी प्लांट सीड में. दिस फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके, तो इन सभी सीड्स में स्टार्च है, फिलअप है. और अगर इसे क्रोमोसोमल लेवल पे हम डिस्कस करते हैं तो अब ये मान के चलें कि पी प्लांट में ये क्रोमोसोम है और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, एक जीन है जो स्टार्च कंटेंट को डिसाइड करती है. कितना स्टार्च कंटेंट एक सीड में डेवलप होगा, कितने स्टार्च ग्रेन बनेंगे, ये डिसाइड किया जाता है एक जीन से. उस जीन को हम यहाँ पर सपोज बी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर मैंने वो जीन कैपिटल बी दिखाई है. ओके, सो लेट्स इमेजिन दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ एलील्स कोडिंग फॉर द स्टार्च कंटेंट. जो इसमें स्टार्च कंटेंट है किसी भी सीड के अंदर, इसको कोड करने के लिए पी प्लांट की क्रोमोसोम जो हैं उनके ऊपर दो तरह के एलील्स हैं, दो जीन्स हैं. वन इज लेबल्ड एज कैपिटल बी, अदर इज लेबल्ड एज स्मॉल बी. अब इसमें जो कैपिटल बी जीन है, ये दोनों ही जीन स्टार्च को बनाएंगी, लेकिन कैपिटल बी जो जीन है ये एक डोमिनेटिंग जीन है
और स्मॉल बी जीन एक रिसेसिव जीन है। तो अगर इन सभी सीड्स का जीनोटाइप अगर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं तो वो आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इट कैन आइदर बी हैविंग इन द फॉर्म ऑफ होमोजाइगस फॉर्म, दोनों ही कैपिटल बी है तो ये होमोजाइगस डोमिनेटिंग फॉर्म है, या फिर ये हिट्रोजाइगस केस हो सकता है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, या ये होमोजाइगस रिसेसिव केस हो सकता है। इसके जीनोटाइप इन दोनों एलील्स के बेसिस पे ये तीन तरह के पॉसिबल हैं। और आपसे अभी बात हुई कि कैपिटल बी इज अ डोमिनेटिंग जीन ओवर द स्मॉल बी, स्मॉल बी इज अ रिसेसिव जीन, और इन दोनों जीन्स का या दोनों एलील्स का फंक्शन क्या है? स्टार्च ग्रेन्स के सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो कैपिटल बी जो जीन की बात कर रहे हैं, दिस कैपिटल बी इज ए डोमिनेटिंग जीन एंड इट इज एबल टू सिंथेसाइज सफिशियंट अमाउंट ऑफ स्टार्च। जब कैपिटल बी किसी भी जीनोटाइप में है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो या यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे कैपिटल बी है वहाँ पर स्टार्च का जो सिंथेसिस है वो सफिशियंट चलता है, नॉर्मल अमाउंट में चलता है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट केस देखिए, कैपिटल बी जब होमोजाइगस केस आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर ये जीनोटाइप है तो सीड में सफिशियंट स्टार्च डेवलप होता है, स्टार्च ग्रेन काफ़ी मात्रा में बनते हैं, इट्स प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ स्टार्च। कैपिटल बी स्मॉल बी अगर ये हिट्रोजाइगस केस है, तो क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल डोमिनेटिंग जीन है तो यहाँ पर स्टार्च बने तो गा, बिकॉज कैपिटल बी इज एफिशिएंट टू प्रोड्यूस द इनफ स्टार्च, लेकिन वो उतना कंटेंट नहीं बन पाता है जितना कि इस केस में बना था, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ स्मॉल बी है जो कम स्टार्च बनाती है। तो स्मॉल बी होने की वजह से ये जो केस है हिट्रोजाइगस केस है, इसमें स्टार्च बने तो गा लेकिन वो उतना स्टार्च नहीं बन पाता है जितना ये होमोजाइगस केस में बनाते थे। ओके, समझ रहे हैं आप? यहाँ पर कैपिटल बी एक डोमिनेटिंग जीन है एंड इट इज एबल टू प्रोड्यूस इनफ स्टार्च, बट व्हेन बोथ द एलील्स आर डोमिनेटिंग इन ए जीनोटाइप, मींस द होमोजाइगस केस इज देयर, देन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ स्टार्च। इज इट क्लियर? बट इफ ओनली सिंगल डोमिनेटिंग एलील इज प्रेजेंट अलोंग विद द रिसेसिव एलील, देन द स्टार्च विल बी फॉर्म्ड बट इट विल नॉट बी सफिशियंट, इट विल बी इन मॉडरेट अमाउंट। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं बनेगा और बहुत कम भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बी स्टार्च की सिंथेसिस कर लेती है, लेकिन जितनी कंटेंट यहाँ पर है इससे कहीं ज़्यादा इस केस में स्टार्च ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? यहाँ दो कैपिटल बी की वजह से यहाँ पर स्टार्च ज़्यादा बनता है और यहाँ पर स्टार्च की फॉर्मेशन उसका जो अमाउंट है वो कम बनता है। अब थर्ड केस देखिए, यहाँ पर दोनों ही रिसेसिव जीन साथ साथ में है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्च बिल्कुल नहीं बनाएंगी, लेकिन ये बहुत कम बनाती है, नॉट इनफ स्टार्च कंटेंट इज प्रेजेंट इन द सीड। ओके, क्योंकि ये रिसेसिव जीन है, लेस स्टार्च ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। तो यहाँ पर अगर हम इस कैपिटल बी और स्मॉल बी की बात करते हैं, आपसे ये पूछा जाता है बिल्कुल ऐसे ही ये केस कि अगर ये जीन कैपिटल बी है या यहाँ पर स्मॉल बी है तो इसका काम क्या है, व्हाट दिस स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए इज डूइंग हियर। आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो फीचर है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन हो रही है, ऐसा ही कुछ लिखने वाले हैं। ओके, सो इट इज कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? अब देखिए इससे जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम ये पढ़ रहे हैं कि कैपिटल बी या स्मॉल बी स्टार्च को कोड करती हैं, स्टार्च ग्रेन्स को बनाती हैं, लेकिन आप देखिए इस सीड में जहाँ पर इसका जीनोटाइप कैपिटल बी है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ स्टार्च इज फॉर्मिंग, व्हाट इज इट्स शेप, इट इज राउंड,
ये राउंड शेप किस लिए है? क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टार्च भरा हुआ है। आप ये पूरा एग्जाम्पल समझने के लिए एक बैग का एग्जाम्पल लीजिए। एक बैग जिसमें आपने बहुत सारा सामान डाल दिया है और एक दूसरा बैग उसी साइज का उसी शेप का जिसमें आपने बहुत कम सामान डाला है, तो किसको आप देखेंगे बाहर से अगर आपको दिखाई देगा तो कौन सा बैग आपको ज़्यादा एरिया कवर करता हुआ दिखाई देता है? ऑब्वियसली जिसमें आपने बहुत सारा सामान डाला है। तो ये भी एक बैग मान लीजिए कि एक ये सीड है और इसमें हमने क्या भर दिया है, स्टार्च भर दिया है। स्टार्च कितना भरने वाले हैं यहाँ, क्योंकि ये जीनोटाइप कैपिटल बी है, यहाँ पे बहुत सारा स्टार्च बन रहा है तो हमारा बैग बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? आप इन दोनों सीड्स की शेप, इन दोनों सीड्स के साइज को कंपैरिजन कीजिए। ये हिट्रोजाइगस केस है, यहाँ पर स्टार्च बन रहा है लेकिन वो मॉडरेट अमाउंट में बन रहा है, इसलिए इसका जो साइज है इस सीड से थोड़ा सा आपको कम नजर आ रहा है। वट इज रीजन बिहाइंड देयर स्मॉल साइज हेयर? इट इज बिकॉज ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ, स्लाइटली लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च इन दिस सीड। ओके, लेकिन बैग में इतना सामान जरूर है, सफिशियंट अमाउंट है कि इनकी शेप आपको राउंड नजर आती है। बट वट अबाउट इन दिस केस? यहाँ देखिए, ये तो होमोजाइगस रिसेसिव केस है। होमोजाइगस रिसेसिव केस मीन्स देर विल बी लेस फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। यहाँ पर स्टार्च जो है बहुत कम बन रहा है और स्टार्च कम बनने की वजह से क्या हो रहा है, इस सीड की, या आप इसको एक बैग इमेजिन कर लीजिए, इस बैग की शेप बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे इन दोनों बैग्स की थी। इज इट क्लियर? इसलिए ये सीड आपको कैसा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें स्टार्च कंटेंट कम है, इसीलिए ये सीड आपको कैसा दिखाई दे रहा है, यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज ए रिंकल्ड शेप्ड सीड। तो ये दोनों सीड्स की शेप कैसी है, राउंड, क्योंकि दे बोथ ऑफ दीज सीड्स हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ स्टार्च। बट वाई द शेप इन दिस केस इज रिंकल्ड? बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्टार्च इज नॉट इनफ। ओके, ना अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अभी हम आपसे बात कर रहे थे कैपिटल बी और स्मॉल बी जो जीन्स होते हैं ये स्टार्च कंटेंट को डिसाइड करते हैं, लेकिन क्या अब जब इस डायग्राम को आपसे डिस्कस किया जा रहा था तो क्या आप किसी और फीचर की भी बात कर रहे थे? द अदर फीचर वाज द शेप ऑफ द सीड। यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टार्च कंटेंट की, लेकिन साथ साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि उसी स्टार्च के कम या ज़्यादा होने की वजह से इसकी शेप कैसी बन रही है। वी आर डिस्कसिंग टू फीचर्स हेयर, वन इज द अमाउंट ऑफ स्टार्च एंड अदर इज द शेप ऑफ द सीड। दिस मीन द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये वाली जीन मान के चलें कि हम इस जीन की बात करें, दिस जीन, दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग ऑफ द स्टार्च कंटेंट, इट इज ऑल्सो कोडिंग अदर फीचर विच इज द शेप ऑफ द सीड। तो ये जीन जिसके हम अभी बात कर रहे थे, दिस जीन इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन। दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द जीन्स। ऐसा नहीं है कि जीन्स सिर्फ एक करेक्टर को कोड करती हैं, जैसे हम यहाँ कह रहे थे कि स्टार्च के कंटेंट को डिसाइड करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जीन एक और करेक्टर को कोड कर रही हैं, इनकी वजह से एक और करेक्टर डिसाइड हो रहा है, दैट करेक्टर इज द शेप ऑफ द सीड। सच जीन्स विच कंट्रोल्स मोर देन वन करेक्टर, ऐसी जीन्स जो एक से ज़्यादा करेक्टर्स को कोड करती हैं, ऐसी जीन्स को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। हम प्लियोट्रॉपी स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो में, करेक्ट, व्हेन द जीन इज कोडिंग मोर देन वन करेक्टर। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कौन से दो करेक्टर कोड किए जा रहे हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये दो जीन्स दिखाई गई हैं, एलील्स दिखाई गई हैं, ये किन करेक्टर्स को कोड कर रही हैं? दे आर कोडिंग टू करेक्टर्स टूगेदर, वन इज द स्टार्च कॉन्टेंट और इसके साथ साथ वो सीड की शेप को भी कोड करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, ये आपने पिछले वीडियो में एक डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया।
वही एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि जो नॉर्मल जीन है एच बी ए से हम उसे लेबल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में आपने कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसे लिया था, वैसे ही दो जीन्स हम ले लेते हैं यहाँ पर सेम ऐसा यही डायग्राम हम यूज़ कर लें। और इस डायग्राम में जैसे यहाँ पर एच बी ए जीन हम ले लेते हैं, दिस इज द नॉर्मल जीन। नाउ दिस नॉर्मल जीन विल कोड फॉर ए प्रोटीन, ये डी एन ए है दिस नॉर्मल जीन, एंड इट विल कोड फॉर ए प्रोटीन, और उस प्रोटीन से एक स्पेसिफिक फीचर डेवलप होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक नॉर्मल जीन है वो नॉर्मल डीएनए का जो सेगमेंट है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबुलिन चेन बनाती है। आपको मालूम है हीमोग्लोबिन में दो तरह की चेन्स होती हैं, अल्फा और बीटा। तो जो बीटा चेन को कोड करने वाली जीन है उसको हमने एचबीए नाम दिया है। ओके, तो अगर ये नॉर्मल जीन है एचबीए है तो नॉर्मल बीटा चेन बनती है, तो यहाँ पे हमने इसको नॉर्मल चेन दिखाया है, ठीक है। और अगर ये जीन डिफेक्टिव हो जाती है तो आप इसको एचबीएस के नाम से लेबल कर सकते हैं, और ये एचबीएस जो है इसकी वजह से डिफेक्टिव चेन डेवलप होती है, तो यहाँ पे हमने इसको डिफेक्टिव चेन दिखाया है। तो ये जो जीन्स हैं, जैसे यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि कैपिटल बी और स्मॉल बी, यहाँ इस केस में आपने कहा कि कैपिटल बी और स्मॉल बी क्या कोड करते हैं, स्टार्च के कंटेंट को कोड करते हैं। यहाँ पर अगर आपसे बात किया जाए कि एच बी एस या एच बी ए ये जीन क्या कर रही हैं, तो आप कहेंगे कि बीटा चेन को कोड करती हैं, बीटा चेन बन रही है इनकी वजह से हीमोग्लोबिन की। लेकिन क्योंकि हम प्लियोट्रोपी पढ़ रहे हैं, तो अब जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट इस जीन से जुड़ा हुआ, जब नॉर्मल एच बी ए जीन है जिससे नॉर्मल बीटा चेन डेवलप होती है, इसके साथ साथ ये एक और फीचर कंट्रोल करती है, दैट इज़ द शेप ऑफ द आरबीसी। नॉर्मल बीटा चेन अगर है तो आरबीसी की शेप बाइकॉनकेव होती है, लेकिन आपने ये डिसऑर्डर पढ़ा है कि बीटा चेन अगर डिफेक्टिव है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरियाज में, जब कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसमें ये जीन है और जिसमें उसकी जो बीटा चेन्स हैं वो डिफेक्टिव डेवलप हो रही हैं, तो ऐसे पर्सन को अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया में शिफ्ट किया जाता है जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो उसकी जो बीटा चेन्स हैं जो ऑलरेडी डिफेक्टिव हैं वे पॉलीमराइज हो जाती हैं। आप देख लो, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट चेन दिखाई है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्टोर्टेड दिखा दिया है, इसका स्ट्रक्चर चेंज दिखाया है। ये कब ऐसा कब होगा, जब ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया को फेस करता है। तो जैसे ही ये ऐसे डिस्टोर्शन हुआ, इसका पॉलीमराइजेशन हुआ, तो इसके साथ साथ क्या डेवलप हुआ, क्या फीचर चेंज हुआ, आरबीसी की शेप देखिए यहाँ बाइकॉनकेव शेप है, लेकिन यहाँ पे ये सिकल शेप हो जाती है। तो हम बात क्या कर रहे थे कि एचबीए जीन तो बीटा ग्लोबुलिन की चेन को कोड कर रही है, या एचबीएस डिफेक्टिव बीटा चेन को बनाती है। यहाँ पर अगर फर्स्ट फीचर अगर इस जीन का देखा जाए तो वो बीटा चेन को कोड कर रही है, लेकिन क्या इस पूरे एग्जाम्पल में हम यही कहेंगे कि ये सिर्फ बीटा चेन को ही कोड करती है? नहीं, ये बीटा चेन को कोड करने के साथ साथ, उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ साथ आरबीसीज की शेप को भी कंट्रोल करती है। तो ये जो जीन है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन, व्हेन ए जीन इज कंट्रोलिंग मोर देन वन करेक्टर। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दो करेक्टर्स को कोड किया जा रहा है। आपको ये बहुत सा एक, जैसे ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था, बैग का एग्जाम्पल दिया था, बैग में सामान डाल रहे हो तो वो फूल जा रहा है और नहीं तो उसका साइज छोटा दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा ही आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम देते हैं, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक अम्ब्रेला को इमेजिन कीजिए, और अम्ब्रेला में आपने देखा है कि नीचे उसके वायर्स लगी होती हैं, आयरन की या किसी भी एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, ठीक है। अब उस अम्ब्रेला की शेप कौन डिसाइड करता है, वो शेप डिसाइड होती है उन वायर्स से। अगर उन वायर्स को तोड़ दिया जाए, डिस्टोर्ट कर दिया जाए, तो उस पूरे अम्ब्रेला की शेप का क्या होगा, वो अम्ब्रेला की शेप जैसी आपको दिखाई देती है नॉर्मल कंडीशन में वैसी नहीं दिखाई देगी। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ है, आप ये वायर इमेजिन कर लें और ये उस अम्ब्रेला का क्लोथ इमेजिन कर लें। अगर इस वायर को कुछ हो जाता है, जैसे यहाँ हो गया, ये यहाँ पर डिस्टोर्ट हो गई है, तो इस पूरे इस
क्लॉथ की शेप कैसी हो गई है ये भी चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही आरबीसीज में है कि अगर बीटा चेन नॉर्मल है तो बाइकोन की शेप रहती है, बीटा चेन अगर एबनॉर्मल डेवलप होती है और पॉलीमराइजेशन के बाद उसके साथ साथ बीटा चेन तो डिस्टॉर्ट हुई लेकिन उसके साथ साथ आरबीसी की शेप भी चेंज हो जाती है। ओके, सो दिस वाज द अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम स्टडी करेंगे प्लियोट्रोपिक में। अनदर एग्जांपल इज ऑफ द डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन यूरिया, जो आपने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है, द सेम डिसऑर्डर फिनाइल कीटो यूरिया। यहाँ पे देखिए फिनाइल कीटो यूरिया में हम पढ़ चुके हैं कि देर इज एन अमीनो एसिड फिनाइल एलेनाइन एंड दिस फिनाइल एलेनाइन इज कन्वर्टेड इनटू ए प्रोटीन अमीनो एसिड टायरोसाइन। सो ये एक नॉर्मल हमारे बॉडी की रिएक्शन है कि फिनाइल एलेनाइन अमीनो एसिड शुड बी कन्वर्टेड इनटू टायरोसाइन। ओके, और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज हु इज गोइंग टू कोड दिस प्रोटीन। तो यहाँ पर फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम जीन को पी से लेबल कर लेते हैं। मान लीजिए फिनाइल कीटो यूरिया की के लिए जीन है, ये नॉर्मल दिखाई गई है, कैपिटल पी इज द नॉर्मल जीन और इसके मान लीजिए डिफेक्टिव जीन को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल जीन है तो नॉर्मल डीएनए है तो प्रोटीन, यानी कौन सा प्रोटीन यहाँ पर फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज, ये प्रोटीन यहाँ पे बनना चाहिए। ये प्रोटीन बनेगा तो नॉर्मल हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनाइन का मेटाबॉलिज्म चलता है, कोई साइड इफेक्ट्स नज़र नहीं आते। लेकिन अगर ये स्मॉल पी है, इस जीन को हम यहाँ पर अब डिफेक्टिव दिखाते हैं, तो ये जो डीएनए बन रहा है दिस विल बी ऑल्सो ए डिफेक्टिव टाइप ऑफ डीएनए। ओके, ये डिफेक्टिव दिखाया गया। इस डिफेक्टिव डीएनए से जो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को आप क्या नाम दे रहे हैं, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज। तो ये प्रोटीन भी डिफेक्टिव बनेगा या इसकी अमाउंट कम बनेगी। जब ये डिफेक्टिव प्रोटीन बन रहा है या एंजाइम बन रहा है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। सो व्हाट इज फंक्शन ऑफ कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस एंजाइम प्रोटीन, जिससे के ये रिएक्शन चल सके। लेकिन जब आप फिनाइल एलेनाइन को टायरोसाइन में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो इसके साथ क्या होता है कि दिस फिनाइल एलेनाइन विल स्टार्ट फॉर्मिंग इट्स डेरिवेटिव्स, कुछ कंपाउंड्स इस फिनाइल एलेनाइन के बॉडी में सिंथेसाइज होने लग जाते हैं और उनके सिंथेसिस से वो ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके उन कंपाउंड्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी एंड दिस एक्यूमुलेशन इन सीएनएस विल कॉज द मेंटल रिटार्डेशन, उस पर्टिकुलर पर्सन का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता। इसके साथ साथ उनकी जो स्किन या उनका जो हेयर कलर है वो भी काफ़ी लाइट हो जाता है, दे डेवलप हाइपो कलरेशन, हाइपो पिगमेंटेशन इन देयर स्किन एंड इन देयर हेयर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस कैपिटल पी या स्मॉल पी जीन है इनका फंक्शन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, दिस जीन्स आर कोडिंग फॉर दिस एंजाइम सो दैट दिस रिएक्शन कैन प्रोसीड। बट क्या आप इसमें इन जीन्स का एडिशनल फंक्शन देख सकते हैं, कोई ऐसा फंक्शन जो या कोई ऐसा फीचर जो ये बॉडी का कंट्रोल करती हैं? ओब्वियसली दिस वन, दे आर कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, दे आर कंट्रोलिंग द पिगमेंटेशन इन स्किन एंड द हेयर, दीज आर एडिशनल फीचर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय दीज जीन्स। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन हुआ, ये इसके साथ साथ साइड बाय साइड हम दूसरे फंक्शंस इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लियोट्रोपी। हाउ यू कैन डिफाइन प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी इज अ फिनोमिना इन विच ए सिंगल जीन कंट्रोल्स मोर देन वन करेक्टर ऑफ द बॉडी। जैसे हमने यहाँ पर सीड कलर
सॉरी सीड की शेप और स्टार्च ग्रेन की बात की थी। यहाँ पर बीटा चेन का जो स्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ आरबीसीस की शेप की बात की थी। यहाँ पर फिनाइल कीटो यूरिया में हमने क्या डिस्कस किया, इन फिनाइल कीटो यूरिया द जीन इज कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एज वेल एज कंट्रोलिंग द पिगमेंटेशन इन हेयर और द स्किन और द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लियोट्रोपी।